बनना। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपको मेरी याद आती है? प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक कीजिए। उसका मूड खराब है, उसको स्कूल आपी के जग जा रहा है। पापा गाड़ी चलाएगी और पापा सो रहे हैं। तू जगा ले पापा को। पापा चलाएंगे। तू पापा को जगा ना। नहीं अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जब तक ये व्लॉग मिलेगा तब तक करवा चौथ निकल चुका होगा, सभी का अच्छा हो चुका होगा। इसलिए मैंने कल के व्लॉग में सबको बधाइयाँ दे दी थी करवा चौथ की, जो कल मतलब आज जो मिलेगा उसमें मैंने सबको बधाइयाँ दे दी हैं। सबको मिल गई होंगी बधाइयाँ। और ऊपर को चढ़ रहा है तो चलो शुरुआत करते हैं दिन की। मेरी शुरुआत हो गई थी सुबह 6 बजे। सुबह से देखती हूँ ऐसे ही नहा लिया था क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना था। अभी तो सिर धो के नहाना बाकी है। अभी सोच रही हूँ कि आके थोड़ा सा और सो लूं। मम्मा अपने बैग में टिफिन रख लो। मैंने रख दिया बेटा। तो सोच रही हूँ कि आके थोड़ा सा और सो लूं, जिससे क्या नींद पूरी हो जाएगी थोड़ी सी बस। और ये देखो मेरी मेहंदी, वो जो लगाने वाली लड़की आई थी ना, उसने 2 अलग अलग कौन से लगा, इसलिए अलग अलग कलर आ गया। मैं बहुत देर तक ज्यादा मेहंदी रख नहीं पाती हूँ। बस ये है कि रात में लगी थी, जैसे कि 7:45 बजे खत्म हो गई थी लग के, तो फिर मैंने 10 बजे तक निकाल दी। मैंने व्लॉग में दिखाई था वो निकाली भी, मैं थोड़ी देर और लगाई रहती सोने तक, पर मैंने निकाली भी इसलिए थी क्योंकि वो रोने लगी थी। नहीं नहीं इतना जोर से चिल्लाई थी, जैसे कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत आ गए हो, ऐसे चिल्लाई थी। तो कुकर की सीटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा जल्दी निकाल दी थी। चलो अब देखते हैं और क्या क्या करेंगे आज, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं व्लॉग में। करने को करना तो बहुत कुछ। नेल्स लगा लूंगी, मैं सोच रही हूँ नेल्स लगा लूँ। एक ही हाथ में लगा लेती हूँ मैं, बस दोनों में नहीं बना पाता, काम नहीं बन पाता, मज़ा नहीं आता। देखते हैं जो भी कुछ करूँगी आगे आपको दिखाते हुए चलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में बच्चों को छोड़ने के बाद। ऐसे शॉल ओढ़ के जा रही क्योंकि आगे बैठेगी, इसको ठंड लगेगी। चलो सो हेलो एवरीवन, सुबह के बाद मैं अभी मिल रही हूँ आपसे। पता है क्या हुआ, बच्चों को छोड़ के आने के बाद सो गई क्योंकि ऐसा कुछ खास काम था नहीं, और मैने सोचा था दोबारा जब नहाऊंगी तो तभी नहाऊंगी जब ये कमरा एक वो कर लूंगी। तो ये सो रहे थे तो मैं भी सो गई। खांसी हो रही है तो बोलने में बहुत बहुत अजीब सा हो रहा है। तो फिर मैं उठी 11 बजे। हाँ अभी अभी लाते। तो मैं 11 बजे उठी, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया इस कमरे का जब ये उठ गए थे। फिर मैंने जल्दी से नहाया धोया, फिर बच्चों को ले जाने का टाइम हो गया था। फिर लल्ला को भी, आज बहुत देर हो गई थी, आज मैंने लल्ला को भी तैयार नहीं कर पाई थी। तो चलो मैं तैयार हो गई, सुबह मैंने यही सूट पहन लिया फिलहाल, कंफर्टेबल सा। चलो देखते हैं अभी आगे आगे क्या करना है। और आप सोच रहे होगे कि मैंने शॉपिंग वॉपिंग क्यों नहीं करी। शॉपिंग मैंने कुछ इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरी साड़ी, मैं कम से कम 6-8 महीने पहले मैं लेके आई थी ये साड़ी। वैसे मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, पर हाँ जल्दी 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 तो क्या, हाँ तो मैं किसी के लिए वो साड़ी लेने गई, किसी को गिफ्ट में देनी थी एक साड़ी, तो मैं उनके लिए साड़ी लेने गई थी। तो वहाँ पे मेरे को ये साड़ी बहुत इतनी अच्छी लगी, ऐसी मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, पर इस कलर की साड़ियाँ बहुत टाइम मतलब शादी में पहनी थी और वो हैवी हैवी थी, तो साड़ी मेरे को लेने का मन हो फिर मैंने उसको ले ली। अब उसके बाद कोई ऐसा मौका पड़ा नहीं, फिर मैंने सोचा अब मैं इसको कहीं नहीं पहनूंगी, अब मैं इसको सीधे करवा चौथ पे पहनूंगी, क्योंकि हर बार सोचना भी होता है क्या पहनो नया। तो पिछली बार मैंने लहंगा पहना था, अब मैं साड़ी
साड़ी पहन रही हूँ, तो इसलिए साड़ी रखी थी। और ऐसा कुछ लेना था नहीं, करवे अरवे सब यही आ जाते हैं, और क्या लूँ। बिछिए पायल सब इस बार गिफ्ट में मिल गए थे, सब रखा था, तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी। ज्वेलरी तो दिखाई थी मैंने आपको कल कितनी भरपूर। और मैं क्या ही ज्वेलरी, गोल्ड नहीं पहनती मैं, गोल्ड मेरा सब लॉकर में रखा है, मैं निकाल के क्योंकि मुझे नहीं ज्यादा पसंद आता पहनना। चलो ये बच्चे आ गए। हलवा क्यों नहीं खाया? अले सॉक्स नहीं उतारे? चलो इन बच्चों को थोड़ा सा अब रेडी कर दें, थोड़ा सा हन्नू करोगे दोनों बच्चे? हन्नू कर लो। मोबाइल नहीं है देखते आते थे, मैम बोल रही थी मेहंदी वाले हाथ, मेहंदी नहीं दिखाई तुमने किसी को? आओ एवी, मैंने दिखाई है। नहीं दिखाई, कब दिखाई है? नहीं दिखाई, आओ दिखाओ। चलो मैम बोल रही थी बहुत क्यूट लग रहे हैं मेहंदी वाले हट्टू, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और देखो ये किसका टिफिन है, ये अद्विता का टिफिन है, और अद्विता ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी बिल्कुल नहीं खाया इस लड़की ने कुछ भी। मैं इसकी पिटाई करूंगी। क्यों नहीं? चम्मच ऐसी की ऐसी रखी है पो, हलवा भी नहीं खाया। तुमने भी नहीं खाया? पोहा नहीं खाया, पोहा थोड़ा सा खाया है। चलो अब खाओ। ये हमारे करवे बन के तैयार हो गए, इसमें थोड़ा सा सहयोग मैंने भी किया है, और ये देखो कितना सुंदर बनाया है। अब इसको मैं संभाल के रखने वाली हूँ। देखो शाइन भी कर रहा है, शाइन भी करवाया है मेरे पति ने इसको। और ये है दूसरा करवा, ये किसी और ने सजाया है, ये भाभी वाला करवा, ये किसी और ने सजाया है। इसको तो मैं संभाल के रखने वाली हूँ। मैंने पायल बिछिए पहन लिए, मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाती हूँ। अभी मैंने पैरों में मेहंदी लगाई थी ना, तो ये मेहंदी भी लगी हुई है, और ये मेरे पायल है। ये दोनों चीजें मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मेरा कजन है, उसकी वाइफ लेके आई थी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ना नहीं खरीदे। वैसे मुझे हर बार पतिदेव दिलाते थे, तो मैंने इस बार मना कर दिया। मैंने रखे हैं यार, साल में एक बार बदलने होते हैं। ओ चलो आधा टाइम निकल, आधा क्या, ऑलमोस्ट पूरे निकल गया। मेन टाइम तो वो होता है पूजा करने के बाद का, उस समय लगती है थोड़ी सी प्यास, तो देखते हैं फिलहाल चल रहा है। अभी तो एहसास भी नहीं होता। लल्ला से मिलो, लल्ला से नहीं मिले आज। बाबू देखो, चंद्र बाबू देखो, स्माइलिंग स्माइलिंग। ये मैं उठा के लेके आई थी तो ऐसा हो गया, बाबू है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।
हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ गए छत पे। हमारी पूजा हो गई, आपने देखा ही होगा अभी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है चंद्रमा देखना। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से तो मैं कर नहीं पाई। ये देखो, इतने रखा मेरे पति देव लेके आए मेरे लिए, इसलिए पहले मैंने बाल खोल के रखे थे, अब मैंने वापस से बांध लिए। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं उतार लेती हूँ। अब अच्छा लग रहा है, अब फोटो अच्छे आएंगे, है ना? आरती कौन सी होती है इसमें, बोलना। जय चंदा मामा। हाँ, क्यों नहीं होता? क्या अब वो वीडियो बना के डालेगी तो उसके लिए इसको ये करना पड़ेगा? ओए ओए, एसी बंद कर दो यार, हमिंग आती है। आशीर्वाद तो दे दो। तो गाइज, हो गया करवा चौथ, खाना पीना सब खा लिया, पूजा पाठ सब आपने देख ही लिया होगा। खाने में मैंने क्या बनाया था, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया था, इन्होंने बनाया था। राजमा, आलू गोभी, सेवई की खीर, चावल, पूड़ी, सलाद, तली हुई मिर्ची, इतना सब हमारे पतिदेव ने बनाया था हमारे लिए। तो खाना वाना सब खा लिया, पूजा सब अच्छे से सब हो गया। अब हो गई बहुत थकान। मुझे गिफ्ट में हर साल गजरा मिलता है, तो मुझे इस साल भी गजरा मिला था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैंने लगा भी लिया था। तो चलो अब चलते हैं, इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। आप लोगों ने मेरी हेल्प तो करी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने पहना था वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में उसको उतार भी दिया था। खांसी बहुत तेज हो गई है, तो बोलने में परेशानी होती है। चलो मिलते हैं कल। और ये मेरे कंगन, ये मुझे मिले हैं, मैंने अभी पहन लिए। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसको भी बोलना है प्लीज, जो मैंने बोला है प्लीज पहले उसको सुन लो, बच्चों की भी तो सुन लो, बच्चों को भी तो सुनो यार, बच्चे कितने प्यार से बोलते हैं। आप लोग बच्चों की भी नहीं सुनते हो, लो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे मिलूंगी कल। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपको मेरी याद आती है? बाय। और बाय करो अब। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। कमेंट कीजिए कीजिए ताकि कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय। हेलो हैप्पी मैन। बाय हैप्पी मैन। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपको मुझे
याद आती है कि करो कमेंट करो लाइक करो शेयर करो।